हेलो स्टूडेंट आज का हमारा टॉपिक है करोजन कंट्रोल का कैथोडिक प्रोटेक्शन इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था करोजन कंट्रोल की हॉट डिपिंग की प्रोसेस जिसने हमने गैल्वानाइजिंग और टेनिंग के बारे में स्टडी किया था आज का जो टॉपिक है दैट इज़ अ कैथोडिक प्रोटेक्शन तो हम कैथोडिक प्रोटेक्शन किसे कहते हैं तो ये जो मेथड है कैथोडिक प्रोटेक्शन इसका प्रिंसिपल ये है कि जो मेटल हमें प्रोटेक्ट करना है उसे हमें कैथोड बिहेव करवाना है मतलब इन दिस मेथड द मटेरियल टू बी प्रोटेक्टेड टू बिहेव एज अ कैथोड देयर बाय करोजन डज नॉट ऑकर ओके तो जिस मेटल को हमें प्रोटेक्ट करना है तो उसे हमें फोर्सफुली कैथोड बिहेव करवाना है इसी प्रिंसिपल पे यह मेथड है ओके okay. तो ये कैथोडिक प्रोटेक्शन जो है ये दो तरीके से होता है पहला वाला है सैक्रिफिशियल एनोडिक प्रोटेक्शन

जिसे हमें प्रोटेक्ट करना है द पाइपलाइंस टू बी प्रोटेक्टेड इस पाइपलाइन को हमें कॉपर की जो वायर है इंसुलेटेड कॉपर वायर इससे हमें एक मेटल पीस को कनेक्ट करना है ओके okay. और ये जो मेटल पीस है ये कैसा होना चाहिए दैट मेटल पीस इज मूअर एनोडिक दैट मेटल पीस इज मूअर एनोडिक मतलब ये जो हमें पाइपलाइन प्रोटेक्ट करनी है इसका भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है ये जो मोर एनोडिक मेटल है जो एक्टिव मेटल है उससे कम होना चाहिए मतलब ये मोर एनोडिक मेटल जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में ये जो पाइपलाइन हमें प्रोटेक्ट करनी है उससे ऊपर रहेगा मतलब इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़्यादा रहेगा इसीलिए ये एनोड बिहेव करेगा और हमें पता है जब एनोड और कैथोड होता है तो एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है जो एनोड रहता है उसका डिटेरेशन होता है उसका लॉस होता है और जो कैथोड है वो प्रोटेक्ट किया जाता है तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो एनोड है जो मोर एनोडिक मेटल है जिसे हम कहते हैं सैक्रिफिशियल एनोड इसे हम सैक्रिफिशियल एनोड क्यों कहते हैं क्योंकि ये जो एनोड है ये खुद को सेक्रिफाई कर देता है मतलब पूरा करोड़ हो जाता है क्योंकि इस पाइपलाइन को प्रोटेक्ट करने के लिए दैट्स वाई दिस मेथड इज कॉल्ड एज अ सैक्रिफिशियल एनोडिक प्रोटेक्शन मतलब जो पाइपलाइन हमें प्रोटेक्ट करनी है उस पाइपलाइन को हमें कॉपर वायर से दूसरे मेटल के साथ कनेक्ट करना है जो कि मोर एनोडिक है मतलब उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है जो प्रोटेक्ट करना है मेटल उससे ज़्यादा है ओके okay? तो इस तरह के ये मेकनिज़म होता है तो हम शॉर्ट में अभी देखेंगे की पॉइंट इसके क्या है सो इन दिस मेथड द मेटल टू बी प्रोटेक्टेड इज कनेक्टेड टू द कनेक्टेड बाय कॉपर वायर टू द मोअर एनोडिक मेटल ओके okay. उसके बाद में ये जो मोर आनेडिक मेटल रहता है ये कैसा रहता है फिर एक्टिव ये बहुत एक्टिव रहता है इसकी वजह से इसका क्या हो जाता है ऑक्सीडेशन होता है इसका ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ओके मतलब ये जो एनोड है ये पूरा डिटोरेट हो जाएगा ये पूरा लॉस हो जाएगा और जो अंडरग्राउंड पाइपलाइन है वो पूरी तरह से प्रोटेक्ट की जाएगी ओके okay. तो ये जो एक्टिव मेटल है इसे हम सैक्रिफिशियल एनोड कहते हैं और हमें पता है कि ये पूरा कंज्यूम हो जाएगा और जिस जब ये पूरा कंज्यूम हो जाएगा तो यहाँ पे हमें इसकी जगह दूसरा वाला मेटल पीस लगा के इसको रिप्लेस करना है ओके वन सट गेट कम्प्लीटली करोड वी हैव टू रिप्लेस इट बाय वन फ्रेश मेटल पीस अगर हम इसके एग्जांपल देखते हैं जो सैक्रिफिशियल एनोड है कौन से मटेरियल हम सैक्रिफिशियल एनोड यूज़ कर सकते हैं तो वहाँ पर हम जो मैग्नीशियम है या फिर जिंक एल्युमिनियम या फिर उनके अलॉय है ये हम यूज़ कर सकते हैं सो so ये है सैक्रिफिशियल एनोडिक प्रोटेक्शन की मेथड अभी हमें देखना है कि इसके एप्लीकेशंस कहाँ है कैसे हैं मतलब हम इसे कहाँ यूज कर सकते हैं तो ये जो सैक्रिफिशियल एनोडिक प्रोटेक्शन मेथड है इट इज़ यूज प्रोटेक्शन ऑफ अंडरग्राउंड केबल्स एंड आयरन पाइपलाइन जो अंडरग्राउंड पाइपलाइंस होती है ओके okay. तो वहाँ पे सॉइल करोजन हो सकता है सॉइल करोजन हमें पता है सॉइल के टेक्सचर डिफरेंट रहते हैं सॉइल डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की रहती है कोई वाटर लोडेड सॉइल रहती है ओके okay, कोई सैंडी सॉइल रहती है तो वहाँ पे भी पानी का ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कम ज़्यादा रहता है उसकी वजह से वो पाइपलाइन जो है उसका करोजन होता है उस पाइपलाइन को अगर किसी मेटल पीस के साथ में जैसे जिंक हो या फिर मैग्नीशियम मेटल पीस हो उसके साथ में अगर कनेक्ट किया जाता है तो क्या होगा सपोज मैग्नीशियम है जिंक है या फिर एलुमिनियम है इसके साथ में अगर कनेक्ट किया जाता है तो ये जो पाइपलाइन है वो प्रोटेक्ट की जाएगी तो जिंक मैग्नीशियम एंड एलुमिनियम एंड देयर अलाय वी कैन यूज़ वो हमने पहले भी देखा है सेकंड, प्रोटेक्शन ऑफ शिप हल्स वाटर टैंक फ्रॉम मराइन करोजन हमें पता है जो शिप रहती है ओके okay. वो तो पानी में रहती है तो उसकी वजह से वहाँ पे करोजन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं तो वहाँ पे भी हम ये सैक्रिफिशियल एनोडिक प्रोटेक्शन की जो मेथड है वो अप्लाई कर सकते हैं ओके सो दिस इज ऑल अबाउट सैक्रिफिशियल एनोडिक प्रोटेक्शन हमारे अगले वीडियो में हम देखेंगे कैथोडिक uh, प्रोटेक्शन की दूसरी मेथड दैट इज़ अ इम्प्रेस करंट कैथोडिक प्रोटेक्शन जिसमें हमें एक्सटर्नली करंट देके करोजन करंट को नलीफाई करके भी करोजन को हम रोक सकते हैं ओके सो थैंक यू आई होप आपको समझ में आया होगा अगर आपको कोई डिफिकल्टी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू